देश की सूरत और सीरत बदलने का काम जिन जनप्रतिनिधियों के पास है उन जनप्रतिनिधियों को सिखाने का काम हिंदुस्तान की पहली संस्था रामभाव महाल की प्रबोधनी कर रही है। उस संस्थान में जो एकेडमिक काम होता है उसको करते हैं डॉक्टर महेश भागवत। आज हम आपको इनसे मिलवाते हैं और बताते हैं कि राजनेताओं को दिशा और दशा का काम ये किस तरह से कर रहे हैं। नमस्कार, आपका हमारे साथ डॉक्टर में स्वागत है। डॉक्टर भागवत, आप ये बताइए कि किस तरह से आप देश के राजनेताओं को सुधारने का काम कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो राजनेता तो बहुत बार उनकी कुछ रुचि होती है इसलिए राजनीति में आते हैं कई लोग, पर ऐसे देखा गया कि जो युवा है वो युवा जब राजनीति में अभी आजकल आने की सोच रहे हैं तब उनको कुछ अच्छी तरह से अगर प्रशिक्षण दिया जाए तो वो प्रशिक्षण लेने के बाद और अच्छे राजनेता बनेंगे, ये धारणा से रामभाव मांगी प्रबोधिनी ने ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप के तहत ये हमने ये कोर्स शुरू किया। आपको क्या लगता है कि देश में जो बुद्धिजीवी हैं, देश में डॉक्टर, वकील, इंजीनियर और तमाम प्रोफेशनल जो काम करते हैं वो क्या यूं कहें कि महिलाएं राजनीति में आखिर क्यों नहीं आती, उनके सामने क्या चुनौती रहती है, वो किस बात से डरते हैं और क्या कारण है कि आम जनता भी इस तरह के लोगों को अपने सर पर नहीं बिठाती। नहीं बेचे, आज तक ऐसे हुआ काफी दशकों तक हमारे देश में कि राजनीति की तरफ थोड़े से निगेटिवली देखा गया कि राजनीति करने वाले जो है वो शायद भ्रष्टाचारी है या किसी जात या मजहब के ऊपर राजनीति करते हैं, वो प्रशिक्षित नहीं है, इतने प्रोफेशनल नहीं, सुशिक्षित भी नहीं है और प्रशिक्षित भी नहीं है। तो इसकी वजह से आम जनता का रुख जो था, रुझान जो था राजनीति के तहत वो थोड़ा सा नकारात्मक था, पर अभी शायद 21वीं सदी में बात बदल गई है कि राजनीति की तरफ भी एक अच्छा प्रोफेशन करके लोग देखने लगे और वो बहुत अच्छी बात है और यही एक विचार लेके हमने ये कोर्स शुरू किया। आप ये बताइए कि जब राजनीति में कोई व्यक्ति आता है तो ये कहा जाता है कि 24 घंटे राजनीति करना होती है और आम जनता से कार्यकर्ताओं के बीच में रहना पड़ता है, तो फिर वो अपना घर कैसे चलाए, क्या सक्षम लोगों को ही राजनीति में आना चाहिए या गरीबों को भी राजनीति में आने का मौका मिल सकता है? गरीबों को भी राजनीति में आने का मौका मिल सकता है, जरूर मिल सकता है। वैसे तो हमने देखा है कि हमने जो एक गणतंत्र जो हमने एक यहाँ पे अपना एक मॉडल करके लिया, अब हम अगर पश्चिम के देशों में देखें तो कई सारे अच्छे राजनेता हुए वहाँ पे कि जो गरीब घर के थे और आगे जाके बहुत अच्छे राजनेता बने, उन्होंने बहुत अच्छी लीडरशिप वो देशों को दी, तो यहाँ पर भी ये हो सकता है। और सिर्फ इतना ही है कि वो जो नए राजनेता, युवा राजनेता है, वो थोड़े से प्रशिक्षित हो और अच्छा। बाबा जी, आपको मैं टोकना चाहूंगा कि देश की राजनीति में टूटी चप्पल और टूटी साइकिल पर घूमने वाले राजनेता कुछ और मिशन और उद्देश्य के लिए पत्रकार इसमें राजनीति में आए थे, लेकिन कई साल बाद ये देखने को मिला कि वो करोड़पति अरबपति बन गए, उनके यहाँ भ्रष्टाचार के छापे पड़े, उनके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, यही तो बात है कि अगर उन्होंने कुछ ठीक से अगर माने मूल्यों की तरफ ध्यान देते और अच्छी तरह से उनका प्रशिक्षण होता तो शायद ये चीज नहीं होती कई कुछ राजनीतिक नेताओं के बारे में। तो हमारा उद्देश्य, हमारी संस्था का यही है कि जो राजनेता भावी राजनेता बने, भविष्य के राजनेता बने, वो न सिर्फ प्रशिक्षित हो पर उनकी जो राजनीति है वो मूल्याधिष्ठित हो और वो अच्छी तरह से लोगों के लिए काम करें। लेकिन वही सवाल अधूरा रह गया कि आखिर राजनेता अपना घर कैसे चलाए, क्योंकि दिक्कत ये आती है कि जब वो राजनीति करता है तो उसको कोई और बिजनेस करने का समय नहीं मिलता और उसकी ना तो कोई खानदानी इतनी इनकम होती है, तो आखिर वो राजनेता अपना घर कैसे चलाए? उसके बारे में हम इतनी प्रशिक्षण वैसे वो जो एरिया है उसके ऊपर नहीं करते, पर हम लोग ऐसा एक तो जरूर हम डॉक्टर भागवत आप बताइए कि भूखे पेट भजन कैसे होए गोपाला। आप सोचिए कि जब मैं राजनीति में आ गया या आप राजनीति में आ गए और हम 8-8 दिन राजनीतिक काम से बाहर रहते हैं, हम अपना काम नहीं कर पाते हैं,
तो घर कैसे चलेगा, हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं। हम उनको जरूर ये बताते हैं कि प्रोफेशनली कैसे अलग अलग जो लाइफ में जो कुछ डिमांड्स है, अलग अलग घर है, राजनीति है, समाज के लिए काम करना, ये सब के ऊपर कैसे बैलेंस्ड काम करें, किस प्रकार से अपना घर भी ठीक से संभाले और राजनीति भी करे, समाज के लिए भी काम करे, तो ये हम जरूर बताते हैं। क्योंकि लीडरशिप हमारे यहाँ पे एक कॉम्पोनेंट है, लीडरशिप और मैनेजमेंट, तो उसमें ये बात जरूर आती है कि जीवन के हर आयाम के ऊपर अच्छी तरह से कोई काम करे सक्षमता से। इसका मतलब आपका इशारा ये है डॉक्टर भागवत कि जो राजनेता है वो व्यापार भी कर सकता है। जी, उसने प्रोफेशनली करना चाहिए, जो काम वो कर रहा है वो प्रोफेशनली करना चाहिए, उसमें अनप्रोफेशनलिज्म न हो, प्रोफेशनलिज्म हो, क्योंकि तभी बात बनेगी। जैसे बाकी क्षेत्रों में प्रोफेशनलिज्म की हम अपेक्षा करते हैं, वो इंजीनियरिंग हो, वकीली हो, या और भी डॉक्टरी हो, कोई भी हो, तो वैसे राजनीति में भी प्रोफेशनलिज्म आए, ये उद्देश्य हमारा है। राजनीति में महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात होती है, उसके बावजूद अच्छे परिवार की महिलाएं राजनीति में नहीं आना पसंद करती, और इसके साथ साथ उन्हें अपनी सुरक्षा की चिंता भी होती है। इसका क्या आधार है कि वो किस आधार पर राजनीति में आकर सक्रिय रूप से काम कर सके? जितनी राजनीति में जितना प्रोफेशनलिज्म बढ़ेगा, उतना महिलाओं के लिए भी महिलाओं का सहभाग बढ़ेगा। एक अच्छी बात है कि अभी 2019 में जब नई लोकसभा बनी तब ज्यादा संख्या में महिलाएं आई है, 78 महिला सांसद इस बार चुनाव जीत कर आई जी, तो थोड़ा सा उनका प्रतिशत बढ़ा है, तो एक अच्छी बात है। तो जो युवा वर्ग, जो युवा नेता जो आएंगे उनमें, और जिस प्रकार से महिलाओं में भी शिक्षा आज बढ़ रही है, तो मुझे लगता है कि महिलाएं और ज्यादा संख्या में समाज में, राजनीति में भी आएगी, जैसे वो अलग 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 क्षेत्रों में भी आज यशस्वी हो रही हो, ये सक्सेसफुल हो रही है। राजनीति में जो लोग काम करने आते हैं, कई बार वो अपने रास्ते भटक जाते हैं, उसका क्या कारण है? पैसे का लालच और कोई महाजाल, या ऐसा कोई अचानक कारण बन जाता है, उस इस तरह की परिस्थितियों से बचने के लिए आपके संस्थान में क्या ट्रेनिंग दी जाती है? हमारी संस्था में यही तो है कि हम लोग सिर्फ प्रोफेशनली क्या कैसे काम करना ये नहीं हम बताते, पर मूल्याधिष्ठित ट्रेनिंग देते हैं। तो एक अपना ध्येय कैसा हो और हम किस प्रकार से एक स्वच्छ विचार और स्वच्छ चारित्र से काम करें, ये हम ये कोर्स के जरिए जरूर बताते हैं। और प्रोफेशनली जो बाकी जो चीज़ें हैं, जैसे लीडरशिप हो, लोकतंत्र हो, पब्लिक पॉलिसी हो, इसके बारे में भी हम अच्छी तरह से जानकारी देते हैं। राजनीति में एक और सबसे बड़ी चुनौती होती है कि राजनेता के पास पढ़ने और लिखने का समय नहीं होता है। एक बार आपकी ट्रेनिंग लेने का मतलब ये नहीं है कि पूरी जिंदगी भर उससे काम चल जाएगा, तो वो लगातार पढ़ता रहे, लगातार लिखता रहे, उसके लिए क्या आप लोग बताते हैं उन्हें? वैसे तो प्रबोधिनी का ये काम ही है, सालों से चलता आ रहा कि हम लोग निरंतर प्रशिक्षण देते रहेंगे। तो ये जो हमारे जो अभी जो स्टूडेंट्स है जो एक कोर्स करके जाएंगे, तो आगे जाके वो भी वापस हम उनको, जैसे IAS ऑफिसर्स का भी रिफ्रेशर कोर्स होता है, वैसे हम भी उनके अलग अलग कोर्सेज बाद में भी करेंगे, ताकि उनका निरंतर प्रशिक्षण चालू रहे। पत्रकार होने के नाते एक हमेशा इस बात की मेरे को बड़ी बेचैनी रहती है, जिज्ञासा रहती है कि पॉलिटिकल साइंस नाम का जो शब्द है, ये कहीं ना कहीं जो है आभा मंडल से गिर चुका है। कई लोग ऐसे हैं जो पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई करके राजनीति में आए, लेकिन उनको व्यवहारिक जानकारी नहीं, जनता के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए, काम करने का क्या तरीका होना चाहिए, अफसरों के साथ किस तरह की भाषा इस्तेमाल होना चाहिए, सार्वजनिक जीवन में किस तरह से व्यवहार हो, ये उनको पता नहीं होता। जी नहीं, ये सही बात है, पर मुझे ऐसे लगता है कि थोड़ा सा मैं, ताकि मैं राजनीति पढ़ाता हूँ इसलिए शायद थोड़ा सा मैं बोलूँ इसके ऊपर कि प्रशिक्षण तो एक चीज होगी, पर राजनेताओं के ऊपर अगर कुछ प्रकार का थोड़ा सा अंकुश रहे, तो जनता ने अभी इस प्रकार से एक मनीषा रखनी चाहिए कि हमें जो राजनेता मिले, भले वो चाहे वो कोई भी पार्टी का हो, पर वो राजनेता स्वच्छ चारित्र का हो, भ्रष्टाचारी न हो, और अपने आप जैसे कहें वैसे अपनी जुबान पे लगाम रखें,
और जनता के लिए ठीक से काम करे और प्रोफेशनली काम करे। इसलिए जनता का जनता की मांग ये अभी होनी चाहिए और मुझे लगता है कि ये हो रही है थोड़ी सी। डॉक्टर भागवत, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या अविवाहित व्यक्ति राजनीति में ज्यादा सफल होता है बजाय पारिवारिक जिम्मेदारी वाला? ऐसी तो कोई चीज नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ पे प्रधानमंत्री नहीं, अटल जी और नरेंद्र मोदी जी का अपन उदाहरण लें जी, या राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी का उदाहरण लें जी, ऐसी कई देश की हस्तियां हैं जो अविवाहित थे जिनके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी नहीं थी जी, तो वो ज्यादा सफल हुए। हाँ, पर हमारे यहाँ ऐसे भी राजनेता है कि जो प्रधानमंत्री 10 साल। आपको एक पॉलिटिकल साइंस के ज्ञाता होने के नाते आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं इस बात में सच्चाई है कि अविवाहित होने मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता ऐसे, क्योंकि हमारे यहाँ पे इतने सारे सफल राजनेता भी है कि जो विवाहित थे, जो अपना अपनी अपना जो संसार अपनी जो फैमिली थे उसकी तरफ भी ठीक से ध्यान देते थे। प्रधानमंत्री भी ऐसे रह चुके हैं कि जिनकी फैमिली है और जो, तो ऐसी बात नहीं है। आफ्टर ऑल राजनेता अपने काम की तरफ जितना डिवोटेड रहे, अगर वो डिवोटेड रहे तो वो चाहे वो अविवाहित हो या विवाहित हो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। क्या राजनीति में परिवारवाद का विरोध होना चाहिए या परिवारवाद चलते रहना चाहिए? देखिए, परिवारवाद ये सीधी तरह से हमारा जो संविधान है उसमें समता का अधिकार है आर्टिकल 14 के अंदर कि सबको समान संधि मिलनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। और परिवारवाद जो है जो वो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जिसको हम बोलते हैं कि संधि की समानता, अपॉर्चुनिटी की समानता, उसके अगेंस्ट जाता है। तो परिवारवाद नहीं होना चाहिए। जिसकी जो काबिलियत हो वो काबिलियत के हिसाब से उसे राजनीति में स्थान मिलना चाहिए। आप संसद की कार्रवाई लगातार देखते होंगे, विधानसभाओं की कार्रवाई आप लगातार देखते होंगे, आपने देखा होगा कि सांसद को कब किस तरह से वहाँ बैठना चाहिए, ये अभी भी नहीं आता। सांसद वहाँ पर कुर्सी टेबल उठाकर फेंक देते हैं, सांसद कई बार असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करते हैं, सांसद कई बार बेतु के कपड़े पहनकर आ जाते हैं, सांसद कई बार बेतु की हरकतें करते हैं। आखिर इन सांसद और विधायकों पर कब रोक लगेगी? वो सुनहरा दिन इस हिंदुस्तान में कब देखने को मिलेगा जब राजनेताओं के व्यवहार से आम जनता और आम विद्यार्थी सीखेगा कि हम भी इस तरह का व्यवहार करें? नहीं, अगर जनता ने चाहा तो जनता ने ही अभी ये मांग करनी चाहिए कि राजनेता जो है वो इस प्रकार का बर्ताव नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ पे एक संस्कृत में जो कहावत है कि यथा राजा तथा प्रजा, मैं थोड़ा सा उल्टा करूंगा उसको, यथा प्रजा तथा राजा। तो प्रजा जैसे हो वैसे राजा बनेगा, तो प्रजा ने अभी राजा के तरफ, राजा माने आज हमारे लोक प्रतिनिधि है, तो उनके उनको बोलना चाहिए कि ये प्रकार का बर्ताव आपका अच्छा नहीं है, अगर आप ऐसा करेंगे तो हम अगली बार आपको चुनाव में वोट नहीं देंगे। ये थे डॉक्टर महेश भागवत, जो राजनीति के ज्ञाता है, राजनीतिज्ञों को सिखाने का, समझाने का तरीका बताने निकल पड़े हैं। हो सकता है कि इनको अभी तक बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इन्हें और अधिक सफलता मिले। लेकिन एक चुनौती अभी भी कायम है, वो ये है कि राजनेताओं का व्यवहार अभी भी बहुत खराब है, जिसको देखकर हमारी आंखें शर्मिंदा हो जाती है, लेकिन राजनीतिक बेशर्म तरीके से अपना व्यवहार जारी रखते हैं, जो खराब व्यवहार है उसी से पेश आते हैं। धन्यवाद, आप gamasan.com में आए, आपने इतनी सारी जानकारियां दी और हम आपसे आगे भी भविष्य में इस तरह से बात करते रहेंगे। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।